इंटरव्यू देंगे, कुछ नहीं दे सकते इंटरव्यू। हालत ऐसी बुरी कर दी है, हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरी। ना वो पैसा अपना काम आ रहा है, ना किसी काम आ रहा है। बैंक में लगातार खड़े हैं, ना बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, ना पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। ये सड़क पे लाके खड़ा कर दिया मोदी ने आज हमको। ये बच्चों वाले परेशान है, ना बच्चों के ना घर के, सड़क पर, ये सड़क पे इधर का दे देंगे हम कहीं के कहीं नहीं। हम सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इस टाइम में, ना बदलने के ना लेने के। क्या हाल हो गया, 9 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए। जो गलती वो जा चुकी है, जो सही है वो लाइन से लगे हुए, ना बैंक में जाने दे रहा है ना आने दे रहा है हमें। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं डिवोर्सी हूँ, मैं सेपरेशन हो चुका है, सिंगल पेरेंट हूँ। किस तरह क्या क्या कर रही हूँ मुझे पता है, बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। बच्चे छोटे हैं अभी? मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, एक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और एक मेरा सेकंड क्लास में पढ़ सकता है। स्कूल के बाद मैंने अभी तक अपने बच्चों को नहीं देखा, नहीं है कि उन्होंने क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं पता मुझे। जिस हालत जिस कंडीशन में मैं हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैंने ये बच्चे पैसे सबमिट किए हैं, जो मैं दिल मेरा रो रहा है कि मैं किस तरह क्या करूं, किस तरह जमा करूं मेरे पैसे और किस तरह लूं। 4,000 रुपए के लिए कि क्या है, 4,000 की तो फीस भी नहीं है बच्चों की, कहां से देंगे हम कि 4,000 रुपए? तो वो भी आई कार्ड प्रूफ, जो ब्लैक मनी है, नहीं जो तो ब्लैक मनी है वो तो व्हाइट कर चुके हैं। अब किसी के घर में 4 लाख है, किसी घर में 5 लाख है, किसी ने कैसे जमा कर रखा है, खासकर हम मुस्लिम में, वो कहां जाएंगे, किस तरह जाएंगे? हमारी भी ब्लैक कमाई हो गई, हमने किस तरह करी है। जो औरतें खड़ी हुई आपको सारी ब्लैक धंधा करने वाली नजर आ रही है, हमारे मुस्लिम औरतें कभी भी हद से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ घर गृहस्थी। आदमी अपने कारोबार में लगे रहते हैं, औरतें अपनी घर गृहस्थी में लगी रहती है। आज उन्हें चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ नकाब में रहती है क्या, और आदमियों को देखना तक पसंद नहीं करती है। आज गैर आदमियों के टकरा रही है, सिर्फ इसलिए कि हालात हमारे बहुत बुरे कर दिए सिर्फ मोदी ने वो हालात में कर दिए कि ना हम सड़क के लिए, ना हम घर के लिए, घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। बच्चे आके कहते हैं मम्मी क्या लाई, क्या दे बच्चों को हम, किस उससे गए कि किसके अंदर क्या है क्या लाए। बच्चों की फीस भी नहीं जमा करा सकते, कनॉट प्लेस में मेरा बच्चा पढ़ता है, बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि फीस सबमिट नहीं हुई है। जब पान वाले से पैसे कैश करा के लाई हूँ, जब स्कूल में फीस सबमिट करी है मैंने, क्या करूंगी किस तरह करूंगी, सब परेशान है। ये सारे कहां से क्या करेंगे, इसमें से आप मुझे बताइए कोई क्रिमिनल लग रहा है आपको? किसी के पास काला धन है यहाँ पर? ये जो खड़े हुए सारे, मुझे बताइए किसके पास काला धन है? सब सुबह के निकलते हैं, रात में घुसते हैं, किसी के बच्चों की नहीं पता, किसी को किसी चीज की नहीं पता, किसके पास है बताइए आप मुझे, ये यहाँ पर किस किसके पास है? परसों आए वहाँ, परसों पता, वो तो बैठे हुए, उन्होंने अपनी वाइट कर ली है, गोल्ड खरीद लिया है, लेकिन इन सब की जो है बड़ी मेहनत की कमाई है, लेकिन जिस तरह वो दे रहा है इसी तरीके से सब परेशान है।